अभी ना आज के बाद इसको बेबी में भी कोई नहीं कहेगा, फिर क्या कहेंगे? इसका नाम आ जाएगा भाई, मेरे नाम पे इसका नाम रखा जाएगा। ये छोले भटूरे वाले छोले बन गए, एवरीबॉडी इज टुगेदर। कोई बता दे क्या नाम रखे? गप्पू। तो भाई आज फाइनली वो दिन आ गया जब बेबी का नामकरण है। बेबी के पास एक अपना नाम होगा। हम कब तक बेबी, काका, सोना, टिल्लू, पिल्लू कह के बुलाते रहेंगे भाई। उसका एक नाम होना चाहिए और अभी से उसका नाम लेंगे तभी तो वो रिकॉग्नाइज करेगा। बात तो सही है। और आज ना मौसम भी अच्छा हो गया, मतलब यकीन नहीं हो रहा, मई का महीना चल रहा है, गर्मियां होती है तपती हुई एकदम, और आज बारिश हो रही है, ठंड हो रही है। मेरे को ना मतलब वो वाली फील आ रही है, हम ना इतने दिनों से वो देख रहे थे रामायण महाभारत, तो जैसे किसी देवी देवता का जन्म होता है ना तो बारिश हो रही होती है, सारे देवी देवता प्रसन्न हो रहे होते हैं, तो क्या इस बार भी ऐसा ही हो रहा है? एकदम फील होती है, एक थॉट होता है। तो अच्छे अच्छे मौसम के साथ एक बेबी का एक अच्छा सा नामकरण होगा। पंडित जी आने वाले हैं, हवन होने वाला है, बेबी आशीर्वाद लेगा पंडित जी से और अपने नए नाम को वेलकम करेगा। आप जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये नाम कैसा लगा। इस नाम का एक बहुत ही अच्छा मतलब भी है। मौसम देखो कितना सुनहरा है, सारी पत्तियां सब हरी हो गई। जिसका हवन है वो अभी तक लेटा हुआ है। तो क्या नाचो? यहाँ देखो डैडी जी तैयार हो गए। तेरा नामकरण नहीं है भाई, मेरे नाम पे इसका नाम रखा जा रहा है, पता है? अच्छा, आप सोचो मेरे नाम से क्या ड्राइव होके इसका नाम रखा जा रहा है। ये पैंट पहन, पहले जा पैंट पहन निकल यार, मुझे खुशी है। अब हम कल से इसको नाम से बुलाएंगे। मैं इसको जरा कवर कर लेती हूँ, इसको कुछ नहीं है, कवर नहीं है। इसका शॉर्ट नेम तो बता दे क्या है, अब बाद में बताएंगे, एक ही बार रिवील करेंगे। मुझे तैयार होना है, प्लीज जल्दी इसको संभाल। यार नीचे पंडित जी भी आने वाले हैं, सारा सेटअप कराते हैं, बहुत बड़ा दिन है। हवन का सारा सामान आ गया, फ्रूट्स आ गए, बर्तन आ गए, मिठाई आ गई है, और ये गद्दे लग रहे हैं अभी, ये देख रहे हो, ये सारा फूल वगैरह, मिठाई विठाई, और ये हवन कुंड पड़ा है यहाँ पे। तो बस हवन की तैयारी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। पंडित जी का वेट है, बेबी का भी वेट है, प्रेरणा तेरा भी वेट है, जल्दी आ। वैसे होता है जब बेबी पैदा होता है ना उसके बाद एक हवन जरूरी होता है घर में, जिसे कहते हैं कि शुद्धि होती है, पवित्रता हो जाती है घर में। हवन के लिए सेटअप हो गया, गद्दे वद्दे लग गए हैं, फ्रूट्स वगैरह आ गए हैं, पापा यहाँ बैठ के आराम कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। सारा सामान आ चुका है, सब ले आयो। इधर मम्मी तैयार हो गई हैं, और क्या बना रहे हो? हलवा बनाने लगी हूँ। हाँ शुभ का कहते हैं ना, हलवा मीठा होना चाहिए, हलवा तो बनाओ यार, बढ़िया सा सूजी का हलवा बनाओ। और क्या खिलाओगे आज? भटूरे छोले। भटूरे छोले, मम्मी स्पेशल भटूरे छोले बन रहे, और साथ में लस्सी भी। साथ में लस्सी भी। बस पंडित जी 10-15 मिनट में आ रहे हैं, मेरे पास फोन आ गया। अरे उसको तो देखे, जिसका हवन हो रहा है वो तैयार है या नहीं है, उसको ऊपर जाके देखते हैं। चलो चलो ठीक है ठीक है, आप बनाओ यार हलवा बनाओ, देखता हूँ मैं कैसे बना रहे हो आप हलवा। भाई इतना घी हलवे में, तो घी लगेगा। अरे बुरा हाल हो जाएगा, इतना घी, सीरियसली? हलवे में खुला घी डलता है। बारात के लिए हलवा बना रहे हो क्या? नहीं। अरे ज्यादा हो जाएगा अम्मी, प्रेरणा को खिलाएंगे सारा हलवा आज। ये अब सूजी पड़ रही है हलवे में, अम्मी घी ज्यादा लग रहा है मुझे। दिते जाएगा, दिते जाएगा। कोई बात। चलो भाई बनाओ बनाओ, कोई करो सब शौक पूरे। बाकी मैं दिखाया तो, ये देखो ये छोले भटूरे वाले छोले बन गए हैं भाई साहब। किसी के भी छोले भटूरे खाना, इसकी स्पेशलिटी अलग है। ये दही पड़ा भी, इसका लस्सी बनेगा। मामा और बेबी बैठे हैं, दोनों तैयार हैं। अभी ना आज के बाद इसको बेबी बेबी कोई नहीं कहेगा, फिर क्या कहेंगे? इसका नाम आ जाएगा। बता बता बता, एक सेकंड वेट करो, रुको जरा, सबर करो। कैसे लग रहे चोरू काके? इसको नजर न रख, जरा मेरे काले चक्कर लगाओ। आज तेरा नामकरण है, क्या नाम रखे? तू ही बता दे क्या नाम रखे। गप्पू। बोल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। गप्पू रख दो इसका नाम। चलो प्रेरणा, हवन स्टार्ट होने वाला है, आइए, आपकी प्रेजेंस जरूरी है। वीआईपी गेस्ट को लेके आओ आज के, ये तो डेली के वीआईपी गेस्ट हो गए हैं। बस प्लीज पोटी मत कर दियो, पोटी। हर्ष कह रहा पॉटी मत करना, मैं कह रही हूँ रोना मत। इसने साइड से बता, एंगल दिया भी, कुछ नहीं करूंगा, टेंशन मत लो भाई। सारी प्रिपरेशन हो गई हैं, सब आ गए हैं, नान का दाद का, एवरीबॉडी इज टुगेदर। चलो भाई आ जाओ, करें स्टार्ट। मैं क्या, पंडित जी आ गए, शुरू कराओ हवन। भाई शुरू कराओ फिर। यो यो नः प्रचोदया। सभी का हमारे भारतीय परंपरा में नाम है। पंडित जी सबकी वरमाला करा रहे। देखिए एक प्रश्न है कि बारात लेके कौन गया था? ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय दन्न मम वेन सवित्रा सजु वृषशेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। चेहरे को निहारो, जो ज्यादा निहारेगा बच्चे उनपे चले जाते हैं। फिर तो कहेंगे कि मैं ही देख लेता हूं। करती है माँ जैसा चिंतन करती है, संतान पे वैसा ही प्रभाव पड़ता है। पोषा सुपोषा, पोषे पोषे, ओम ओम, कोवासी कोवसई, कत्मोसी कत्मोसी, तस्योसी तस्योसी, कृतोसी कृतोसी। आप कह रहे तू कौन है, कहाँ से आया है, और तेरा नाम क्या है? ये ऐसे गंदी गंदी शक्लें बनाता उठने वाली, कि मैं बस उठने वाला हूँ, और इसको सिर्फ ऐसे ऐसे एक बार हिला दे फिर लुढ़क जाता है, फिर डीप स्लीप में है। स्वस्ति 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 स्वस्ति।
बहुत बढ़िया तरीके से संपूर्ण हो गया। थैंक यू पंडित जी। तो यार बहुत ही बढ़िया तरीके से हवन संपूर्ण हो गया है। अभी छोले भटूरे का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। मम्मियां लग गई हैं, साथ में हर्षी भी लगे हुए हैं। इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, इनको तो बस पूरे टाइम किचकिच करनी होती है। और हमारा बेबी सो रहा है। अब थोड़े टाइम में उसे बेबी नहीं कहेंगे, उसको नाम से बुलाएंगे। नाम बताओ भाई, नाम। चलो चाची आप बताओ, क्या लगता है आपको? नो गैसेस। नो गैसेस, नाम वी से निकला है। कोई सजेशन है आपके पास? आसे आसे। मेरे को तो पंडित जी का नाम बहुत अच्छा लगा। क्या? वेदांश। पंडित जी आपने किसी का नाम और भी रखा है? अभी तक तो नहीं रखा। पापा बताओ। वेदांश जो रखो, जो आप रखोगे बेटा। हम तो पुराने जमाने के, नए जमाने के आप लोग हो। अरे नहीं, पुराना नया कुछ नहीं है, साथ में मजे से रखे। हाँ बताओ। वी से निकला ना? यस। वीरप्पन रख दो थोड़ा जोरावर, ये ताकि में उसे वीरू वीरू कह के सब जुड़ाए। पापा आपके पास है कोई सजेशन? टूटा छितर। हाय हाय, आपके तो सबसे गंदे नाम इनसे रखवा लो। भाई हाथ नाम सबसे भाई है जिंदगी में लगे बच्चे। सही बात है, ऐसे ले रखते थे कि नजर ना लगे। और यहाँ पे जब आपने नाम रखा हुआ तो हमसे सजेशन क्यों ले? मैं तो पूछ रही हूँ कि कोई गेस कर सकता है हमने अ से रखा है? अब हमें कह रहे हो बी से रखा है, वो तो निकला है। अथर्व लेटेस्ट नेम है। नहीं नहीं, रॉन्ग गेस। अद्वैत। बच्चे बोल ही नहीं पाएंगे लोग, पता नाम अद्वैत। अद्वैत बहुत अच्छा। अद्वैत नाम इसके अंदर है। मुझे लग नहीं रहा उसने भेजा है। मुझे लग रहा है गलत स्पेलिंग लिखे हैं। लस्सी बन रही है अब। अपने अच्छी अंबी वाला चाह रहे हैं ना। भाई भटूरों की शक्ल देख के ही मन कर रहा है जल्दी से खा ले। बहुत लाजवाब। सही में अच्छे लगे? बहुत लाजवाब। कल ही फोन पे कह रहे थे खाने में क्या है, मैंने कहा मम्मी बना रही है छोले भटूरे। मम्मी तुम्हारे छोले भटूरे अप्रूव हो गए हैं। अच्छी बात है ना। बेचारी इतनी टेंशन में थी कि कहीं मेरे छोले भटूरे सही ना बने तो क्या होगा। ज्यादा खुश हो गए कि आपके हाथ के छोले भटूरे मिल रहे हैं, अच्छे बनते हैं। देख रहे हो, इसीलिए तो मैं बना रही हूं। कीप इट अप, वेरी गुड। स्पेशल पूछा कि खाने को क्या है, कह रहे छोले भटूरे। हमने कहा मम्मी के हाथ के, कहती हाँ। कुछ नहीं खा के आएंगे ये, घर से कुछ नहीं खा के आया। देखा, सिर्फ मम्मी के छोले भटूरों के लिए। पावर ऑफ छोले भटूरे। मैं तो कह रही हूँ शेख अपना खोल लेते हैं एक स्टोर। भाई हमें पता नहीं है इसके अंदर नाम है या नहीं। ये खोल तो ले भाई। यस यस, गो अहेड। क्या नाम है भाई? का है नाम? अरे आजा, ओपन कर दिया हमारा। अरे और चल। तो इसका नाम है अशर, हमारा शेर पुत्र, जिसका मतलब होता है गॉड्स गिफ्ट, ब्लेसिंग, हैप्पीनेस। अशर भाई तू कह रही है शेर है, रोए जा रहा है ये बिल्ली की तरह। अरे यार कोई बात नहीं। यस, आसमान तेरे सितारे अशर सही कह रहा ना? वो अर्श नहीं होता, अर्श। अब ये टिल्लू नहीं है, अभी शेर है, शेर पुत्र। इसका शॉर्ट नेम भी रखा है शेर। शेर शेर जैसा धाड़ेगा। वो भी नाम सुनते ही उठ गया। कैसा लगा भाई? बढ़िया, यूनिक। बधाइयां भी बधाइयां। अशर अशर अशर। चलो भाई आज के बाद इसका नाम होगा। नाम इसका अशर शेर रखा है और ये बांध है चूही सा। चूहा जैसे बना हुआ है। इतना सा शेर। मम्मी कैसे लगा नाम? अशर। रोने जा रहा है, मुझे नहीं पता। मैं जाऊं मत, मेरे को मजा आ रहा था। फाइनली हमारे अशर का नेमकरण हो गया है, नेमकरण नामकरण हो गया है। एंड आई एम सो हैप्पी, अब फाइनली उसको सब उसके नाम से बुला सकते हैं। सब बेबी बेबी काकू काकू छोटू छोटू कर रहे थे, मेरे कहा यार प्लीज ऐसे मत बुलाओ, नहीं तो सब ऐसे ही बुलाने लग जाएंगे और फिर कोई नाम से बुलाएगा नहीं। थैंक गॉड अब सब उसे अशर और शेर बुला सकते हैं। एंड आजकल ना वैसे दिन का नहीं पता चलता, रात का नहीं पता चलता, बड़ी मुश्किल से हमने सोचा यार आज तो कर ही लेते हैं अब इसका हवन, बहुत दिनों से पेंडिंग हो रहा था तो फाइनली कर लिया है। एंड सबका आशीर्वाद मिल गया है, सारे इंद्र देवता, सारे देवता, दादा दादी, नाना नानी सब अपना आशीर्वाद दे चुके हैं, सबको नाम भी पसंद आ चुका है। बट नींदें पूरी नहीं हो रही हैं भाई, बहुत नींदों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मतलब आप मानोगे नहीं, 24 आवर्स नहीं एक्चुअली मतलब 4 दिन मिला के 8 घंटे या 9 घंटे की नींद ली होगी हमने दोनों ने, हर्ष और मैं। भाई ड्यूटीज ले लेके अपनी नींदें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रही है। अभी भी हर्ष अशर को लेके लेटा हुआ है, मुझे नहीं लगता उसको नींद आने वाली है, वो रू रू कर ही जा रहा है। चलो लेके चलती हूँ, देखते हैं क्या पता हो गया। ओए होए 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 होए, बुरा हाल हो गया यार। सेम पोज में दोनों भाई यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जब से हुआ है नींद, नींदों का पता ही नहीं चलता। हाँ।